इसकी छात्रों के और छात्र नेताओं के बीच में जो लड़ाई है उससे संबंधित घटना है, न दलित उनके साथ इससे जुड़ा हुआ है, न अंबेडकर के विचार से इसका कोई संबंध है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अभियान को एक षड्यंत्र मानती है और उग्रवाद और लोकतंत्र के खिलाफ जो बात चलती है उसको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समर्थन करने का एक चाल मानती है। तो हम इसको विरोध करते हैं और इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जिस प्रकार से ऊंचे स्तर पर आकर, निम्न स्तर पर आकर जिस प्रकार के राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किस चीज के लिए जल्दबाजी में है और इसको लोग देख रहे हैं। मोदी जी की सरकार के प्रति इस प्रकार के असंवेदनशीलता, अस्वीकार्यता, ये बहुत ही निंदनीय है। एक अच्छे बड़े ऐतिहासिक पार्टी के नेता के नाते उनको ये गरिमा प्रदान करने वाला विषय नहीं है। और दूसरी बात, वो शेड्यूल्ड कास्ट के कोई विद्यार्थी है या परिवार है, इस पर भी कई प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए तथ्य सामने आना चाहिए और राज्य सरकार को भी जिस प्रकार के राजनीतिकरण कर रहे हैं और वो उसे दूर रहना चाहिए। हैदराबाद एक प्रकार से उग्रवाद से जितना दूर रहेगा, लोकतंत्र के खिलाफ जो चलने वाले विचारों से जितना दूर रहेगा उतना लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और हैदराबाद के